हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ली और आप देख रहे हैं एलमनेटेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आप कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हो कि आपका उसमें नाम में लिस्ट है या नहीं, या फिर आपका कितना पैसा आया है, अभी तक कितने इंस्टॉलमेंट आए हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं, या फिर और आपका कितना इंस्टॉलमेंट आ चुका है और कितना इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। ये सब सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए समझ बताते वीडियो को स्टार्ट करते और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप या फिर फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अदरवाइज आप कहीं पे भी स्किप या फिर फॉरवर्ड करेंगे फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान होंगे कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या होगा, आपको वीडियो पूरा देखना हो तो वीडियो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउज़र में आना होगा। ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान सम्मान निधि। सिंपली आपने यही सर्च करना है। आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से इसका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे चेक करना है आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम है या नहीं। यहाँ पे मैं जो भी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं अपना एक एग्जाम्पल के तौर पर इसके लिए सेलेक्ट करूँगा, वहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज, ये सब आप अपना क्लिक कीजिएगा वहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है वो अपना एक स्टेट सेलेक्ट, आपका अपना जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके साथ ही मैंने अपना एक अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट के बाद उसके बाद आपकी आ जाती है सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपका कौन सी विधानसभा, जिसको हम कंस्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं, तो वो आपकी क्या है। जिसके साथ ही ब्लॉक, आपका कौन सा ब्लॉक है, आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ ही ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी गांव का नाम हो यहां पे आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। यहां पे मैं गांव रैंडमली सेलेक्ट कर ले रहा हूं, कोई भी गांव, जो भी आपका गांव हो वहां पे आप अपना गांव देख लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैं कोई सा भी एक किसी एक गाँव का अवधपुर जैसे कि कर लिया, उसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर लिया है। गेट रिपोर्ट पे आप जैसे ही करेंगे क्लिक तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से उसको पूरा का पूरा जो लिस्ट है ना आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे शायद कुछ सर्वर इशू है सो इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पाया। सो यहाँ पे मैं कोई और आपका वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो लिस्ट आ चुकी है। अगर इनमें से आपका कोई नाम है, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे, आपको जो पेज आपने देखना हो वो पेज आप देख सकते हैं। अगर आपका नाम इसमें नहीं देखने को मिल पा रहा है, कई बार क्या होता है ना, अल्फाबेटिकल इसमें ऐड होता है, तो आपका अगर मान लीजिए यस से है तो आपका बहुत ही पीछे होगा। सो आप इस वजह से आप पेज को और आगे जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पूरी डिटेल फिल किया हुआ है, लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये सब चीज़ आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये तो हो गई, आप यहाँ पे आप अपना नाम चेक कर सकते हो कि आपका नाम है या नहीं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका जो जो आपकी किस्तें हैं 2000 की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो कि अभी तक कितना आया है और आने वाला कितना बाकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस। सो सिंपली आपने क्या करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस पे आपने क्लिक करना है इस चेक करने के लिए। जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कर दिया है। बेनिफिशियरी स्टेटस पे आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप रेडी रखिएगा, लाइक है चाहे आप अपना आधार नंबर, चाहे अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक मोबाइल नंबर से मैं यहाँ पर आपको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट कि कब कब कितनी इंस्टॉलमेंट आई है, अभी आने आगे आना कितना बाकी है। जैसे कि ये देख सकते हैं, मैंने गेट डेटा पर क्लिक कर दिया। अब गेट डेटा पर जैसे ही क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कितना किस्त आ चुका है और कितना अभी आना बाकी है। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आ चुका है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ चुका है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका शायद एक इंस्टॉलमेंट अभी और बाकी है, सो जो कि अप्रैल में आने वाला है, वो अप्रैल के इसी वीक में, जो आपका पहला वीक है ये इसी वीक में हो सकता है आ जाए आपका
तो आप इस तरीके से आप अपना इंस्टॉलमेंट भी चेक कर सकते हो, आप अपना लिस्ट में नाम भी चेक कर सकते हो और आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका जो स्टेटस है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपका स्टेटस क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।